ये झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, चूंकि वो आरएसएस बैकअप हैं, उनके तमाम झूठ को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ को गोदी मीडिया सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा सपोर्ट करता है गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल के झूठ को। दिल्ली में आपने कितने कैंडिडेट उतारे? 15 कैंडिडेट हमारी अपनी पार्टी के और एक हमारा समर्थित है, इस तरह से टोटल 16 कैंडिडेट। क्या लगता है उसमें से कितने निकले? इंशाल्लाह 16 के 16 जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम और दलित इलाकों में काम ही नहीं किया है। आज हैदराबाद सफाई के मामले में देश में नंबर 1 है। हम पिछले साल हमने 45 उम्मीदवार लड़ाई, 44 जीत गए। तो ये रिकॉर्ड तभी बना जब हमारी वहाँ पे काम है। ऐसे ही काम इंशाल्लाह हम दिल्ली में करेंगे, ताकि हम आइंदा एक राजनीतिक ताकत के रूप में यहाँ स्थापित हो सकें। अब केजरीवाल को बताना होगा कि आखिर जो कट्टर ईमानदार आप पार्टी कहते थे, अपने आप को ईमानदार बनते थे, अब आप बताइए सच्चाई क्या है, कि आपने पैसे लिए थे इसमें? हमारे साथ मौजूद है AIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज जी। सर, सारा सवाल तो हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस इतना बता दीजिए कि वहाँ सीलमपुर में जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, टिकट लेने के बाद किसी निर्दलीय को मतलब समर्थन कर दिया, आखिर क्यों? कल जो आपने रैली निकाला, उनके डर से या कुछ और मामला है? जी हाँ, पहली बात तो ये कि जब हमारी कल 2 बजे 2:30 बजे से रैली शुरू हुई, 3 घंटे तक चली, तकरीबन 8-9 किलोमीटर की रैली थी, उसमें सैकड़ों की तादाद में हिजाबी खवातीन थी और हमारे हाजी रईस साहब के नेतृत्व में थी वो, तो उससे जो वहाँ के जितने कैंडिडेट भी लड़ रहे थे, सब में बौखलाहट आई। तो सत्ताधारी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो इतना डर गया कि शाम तक मैदानी छोड़ के भाग गया और एक ऐसे कैंडिडेट को समर्थन में बैठ गया जो शख्स पिछले 10 साल से उस इलाके की बदहाली का जिम्मेदार है। लगातार वो कॉरपोरेटर है वहाँ, तो वहाँ जो भी बुराई हो रही है वो सब उसका जिम्मेदार है। तो सवाल ये है कि वो जाहिर बात है पैसे देकर टिकट लेकर आया होगा, चूंकि आम आदमी पार्टी पे खूब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे देकर टिकट बांटे हैं, तो वो डबल पैसे लेकर बैठ गया होगा। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम और दलित इलाकों में काम ही नहीं किया है, न शिक्षा पर काम किया, न वहाँ पर स्कूल खोले, ना उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो पूरी दिल्ली में बनाई उसकी आधी भी नहीं बनाई मुस्लिम और दलित इलाकों में। तो इन दोनों इलाकों में बहुत गुस्सा है छोटा रिचार्ज को लेके, प्लस मुस्लिम जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो दंगे में पिटे हों, कटे हों, मरे हों, या फिर कोरोना का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, जहांगीरपुरी की बुलडोजर चलने का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, सब जगह अरविंद केजरीवाल खामोश रहते हैं। तो इसलिए अब वोट लेने किस मुँह से जाएंगे, तो इसलिए उनके कैंडिडेट मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब केजरीवाल को बताना होगा कि आखिर जो कट्टर ईमानदार आप पार्टी कहते थे, अपने आप को ईमानदार बनते थे, अब आप बताइए सच्चाई क्या है, कि आपने पैसे लिए थे इसमें, या कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दिया इसलिए डर के भाग गया, मजलिस के डर से भाग गया, या कोई और वजह? पैसे लेने की बात आपने कहा, तो कल भी एक आम आदमी पार्टी का विधायक को पैसे लेने के इल्ज़ाम में मतलब दौरा दौरा कर, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, मतलब उनको नहीं, शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करें, वो तो मीडिया में चल रहा है, कोई कह रहा पिटाई हुई, कोई कह रहा धुनाई हुई, कोई कह रहा कुछ और, वो वीडियो दिखाई दे रही है, तो जाहिर है ये सच्चाई है। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल विज्ञापन के थ्रू अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते, सच्चाई अब सबके सामने आएगी। ये छोटे रिचार्ज का जो जादू था ना, ये बहुत हो गया, अब नाउ गेम इज़ ओवर, अब तो मजलिस आ गई है और मजलिस की जिम्मेदारी है कि इन तमाम जो दलितों का, मुसलमानों का, जिन्होंने शोषण किया है, इन तमाम पार्टियों का, मैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, इनकी पोल खोले और अब पोल खोल रही है। सर, वार्ड नंबर 188 की बात करें तो 5 साल के अलावा 6 साल यहाँ के जो काउंसलर मौजूदा में थे उनको 5 साल के अलावा 6 साल मिले, उसके बावजूद भी ओखला की इतनी मतलब हालत ख़राब है, अब फिर पार्टी सेम कैंडिडेट को टिकट देती है? देखिए, जो पैसे ज़्यादा देगा उसको टिकट मिल जाएगा, उनको इलाके के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप बता देंगे अब चुनाव के नतीजे बता देंगे कि आम आदमी पार्टी क्या क्या दुर्दशा हुई, चूँकि आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने इस इलाके की दुर्दशा की है ना, इस इलाके की जनता उसके कैंडिडेट की दुर्दशा कर देगी, इसीलिए मजलिस का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे तो काम होना चाहिए, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी का था, काउंसलर भी आम आदमी पार्टी, यहाँ तो कोई मतलब मसला ही नहीं था काम ना होना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी का वर्स्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, या वर्स्ट पॉलिटिकल प्रोमिसिस का, जो वो बातें करती है झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, चूंकि वो आरएसएस बैकअप हैं, उनके तमाम झूठ को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ को गोदी मीडिया सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा सपोर्ट करता है गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल के झूठ को। अरविंद केजरीवाल में के फुकने में जितनी हवा बढ़ता है गोदी मीडिया, सच्चाई ज़मीन पर कुछ और है।
केजरीवाल छोटा रिचार्ज हैं, वो जहां से गवर्न हो रहे हैं, इसीलिए वो मुस्लिम और दलित इलाकों का कभी भला नहीं करेंगे, ये हमें और आपको और जनता को समझ लेना चाहिए। अब ये सवाल आपके लिए है कि इसी सीट पे 188 पे आपका कैंडिडेट एक आरिफ सैफी जी लड़ रहे हैं, अगर वो जीत कर आते हैं तो फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा ओखला के लिए? देखिए, हमारे पास सबसे जो बड़ा तजुर्बा है वो नगर निगम की सेवा करने का है, तो हम सबसे पहले जो जीतेंगे हमारे उम्मीदवार उन सबको हैदराबाद भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आएंगे वो कैसे आखिर नगर निगम की सेवा करने का शेड्यूल होता है, प्लस ये प्रदेश ऑफिस उनकी मॉनिटरिंग करेगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम 60 साल से हैदराबाद की खिदमत कर रहे हैं, आज हैदराबाद सफाई के मामले में देश में नंबर 1 है, हम पिछले साल हमने 45 उम्मीदवार लड़ाए, 44 जीत गए, तो ये रिकॉर्ड तभी बना जब हमारी वहाँ पे काम है। ऐसे ही काम इंशाल्लाह हम दिल्ली में करेंगे ताकि हम आइंदा एक राजनीतिक ताकत के रूप में यहाँ स्थापित हो सके। आपकी तरफ से कुछ ऐसा कहा जाए कि जो यहाँ पे और भी कैंडिडेट है सेम पोजीशन, तो और भी उनके साथ चेहरे हैं, तो फिर आपके कैंडिडेट को यहाँ के लोग वोट क्यों करें? देखिए, यहाँ के इलाके ने कांग्रेस को भी जिताया है, आम आदमी पार्टी को भी जिताया है, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे जब जीत जाते हैं तो वो एक तो अपनी जेब भरते हैं, खुद मालदार हो जाते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं, दूसरी बात जब मुसलमानों पर तकलीफ़ आती है तब उनकी पार्टी की तरफ से ये हुक्म होता है कि तुम्हें ज़ुबान बंद रखनी है, वो ग़ुलाम हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। जब कुछ तकलीफ़ आती है तो तमाम जनता मुँह उठाकर देखती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आखिर प्रेस में क्या स्टेटमेंट देंगे, आखिर बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ने के बाद उसके दर्द कौन बयान करेगा, आखिर मुसलमानों पे जो घरों पे बुलडोज़र चला, चाहे इलाहाबाद में चलाओ या खरगोन में चलाओ या राजस्थान में चलाओ, उस पर कौन मर्द मुजाहिद बोलेगा? तो सारा मुसलमान एक ही तरफ देखता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो वही मुसलमान इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के एजेंट के बहकावे में आकर ये कहने लगता है कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अब फ़र्क करने का ये टाइम है कि जब वही मर्द मुजाहिद आपके लिए लड़ रहा है तो अब आपको उसे ताकत देने का, यानी उसका आप बदला देने का मौका है, आप उसके कैंडिडेट को जिताइए ताकि वो आपकी लड़ाई जितनी ताकत से लड़ रहा है और ज़्यादा ताकत से लड़ सके। तो अभी पूरी दिल्ली में आपने कितने कैंडिडेट उतारे? 15 कैंडिडेट हमारी अपनी पार्टी के हैं और एक हमारा समर्थित है, इस तरह से टोटल 16 कैंडिडेट। क्या लगता है उसमें से कितने निकलेंगे? इंशाल्लाह 16 के 16 जीतेंगे, इंशाल्लाह।